हेलो गाइस, वीडियो शुरू होने तो पहला साडा चैनल सबसक्राइब करो। साडे चैनल का नाम हैगा विजडम एजुकेशन पॉइंट RDC। ठीक है, साडा चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू जिन्होंने साडा चैनल सबसक्राइब किया, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ साडा चैनल सबसक्राइब करो। सो अज साडे डिस्कशन का टॉपिक हैगा डायबिटीज़, जिन्हों असी ब्लड शूगर भी कहने। ब्लड शूगर जिहड़ा, ठीक है, लास्ट वीडियो में आप डिस्कस किया हार्ट अटैक, जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम आ, उहदे वांगू ही साडी जिहड़ा डायबिटीज़ और ब्लड शूगर जिहनूं आपां कहने आ, उह भी जिहड़ी आ बहुत एक क्रोनिक प्रॉब्लम आ, ते जिहड़ी की आ सानूं हर घर विच इहदे नाल दा पेशेंट जिहड़ा आ सानूं मिल सकदा आ, चाहे वह बच्चा होवे, चाहे वह यंग एज दा होवे, चाहे वह ओल्ड एज परसन होवे। सो ये बारे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी आ। सो अज असी डिस्कस करांगे डायबिटीज़, जिहनूं आपां डायबिटीज़ मलाइटस भी कहने और ब्लड शूगर भी कहने। नॉर्मल घर च तां आपां इहनूं आपां शूगर ही कहने। सो ब्लड डायबिटीज़ और साडे ब्लड दे विच शूगर कंट्रोल करने विच एक जिहड़ा मेन ऑर्गन साडी बॉडी दा आ उह काम करदा आ, उहनूं आपां की कहने आ, पैनक्रियाज। ठीक है, ये बहुत मेन और इंपॉर्टेंट ऑर्गन आ जिहड़ा साडा ब्लड शूगर लैवल जिहड़ा रेगुलेट करता आ। ठीक है, पहला आपां देखांगे कि पैनक्रियाज हुंदा की आ। ठीक है, इत्थे एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर आ जिहदे विच, ठीक है, पैनक्रियाज आ, देखो इधर पैनक्रियाज आ, साडा स्टमक आ। ठीक है, आ साडा स्टमक आ, स्टमक दे विच, स्टमक दे पिछले पासे जिहड़ा येलोइश आपां नूं दिखदा ना, येलोइश कलर दा, इनू आपां कहिंदे पैनक्रियाज, जिहड़ा ऑर्गन साडा डायबिटीज़ जां साडा ब्लड शूगर लैवल कंट्रोल करदा आ, इनू आपां पैनक्रियाज कहिंदे आ। ठीक है, इत्थे नहीं क्लीयर दिखदा, सो दूसरी डायग्राम विच देखो, ये देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर जिहड़ी आ पैनक्रियाज दी, वो इदां हुंदी आ, जिहड़ा येलोइश पार्ट आ ये साडा पैनक्रियाज आ। ठीक है, साडे इहदे मूहरे जिहड़ा साडा अबडमन हुंदा, साडा पेट हुंदा आ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੀ ਆ, ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ, ਇਨਸੂਲਿਨ। ਠੀਕ ਆ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼, ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਥਰੂ ਕਿਹਦੇ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼ ਔਰਗਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀਜ਼, ਲੰਗਸ, ਲੀਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਇਹ ਔਰਗਨ ਆ, ਇਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗਨ ਆ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 27-32% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਸਟ ਕੀ ਆ, ਟਾਈਪ 1, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਟਾਈਪ 1 ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਟਾਈਪਸ ਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੋ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੋ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ 1 ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਟਾਈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ,
पैनक्रियाज की करते हैं इंसुलिन ठीक है घट प्रोड्यूस करते नॉर्मल रेंज नालों घट प्रोड्यूस करते जो सा बॉडी के इंसुलिन ही घट जाना है तो साढ़े बॉडी के शूगर लैवल घट जाना है तो इसलिए की होंगी है सानू इंसुलिन आर्टिफिशियल लैनी पैनी है बाहरों ठीक है क्लीयर हो गया। टाइप वन के होंगे साड़ी बॉडी जी इंसुलिन ही प्रोड्यूस घट कर लग जाती है इसलिए सानू आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसुलिन लैनी पैंती है इसलिए इस टाइप नू आपां इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहने कि साड़ी बॉडी जी इंसुलिन उत्ते डिपेंड हो जाती है सानू इंसुलिन बाहरों लैनी पैंती है। ये हो गई टाइप वन। नैक्सट हैगी टाइप टू। टाइप टू दे विच की हुंदा आ साडी बॉडी साडे पैनक्रियाज इंसुलिन जिहड़े आ प्रोड्यूस तां करदे आ ठीक है वह नॉर्मल रेंज नालों ज़्यादा करदे आ ठीक है साडे पैनक्रियाज इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करदे आ जिहदे नाल की हुंदा आ साडे जिहड़े बॉडी सैल्स आ जिहड़े वह की करन लग जांदे आ उन्हों रिस्पोंस कर हट जाते जो सा बॉडी के किसी भी चीज़ का लैवल ज़्यादा हो जाता तो साड़ी बॉडी उन्होंने रिस्पोंस कर हट जाती है तो सेम यही है साड़ी बॉडी जो इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो साड़ी बॉडी जी रिस्पोंस कर हट जाती है तो साड़ी ब्लड के सेम पिया रहा है ठीक है सेम शूगर पई रही है सो इस करके सानू फरदर प्रॉब्लम आनी है जिदा जो आप कह दी कि साड़ी ब्लड शूगर लैवल घट गई साड़ी शूगर बढ़ गई उन्होंने भी आप फरदर डिस्कस करा सो टाइप वन के होर की करा जी टाइप वन आ जी साड़ी बॉडी इंसुलिन क्यों घट प्रोड्यूस हों टाइप वन आप पढ़िया ना इंसुलिन डिपेंडेंट होंगी है तो इंसुलिन घट प्रोड्यूस करती है इंसुलिन जी बॉडी प्रोड्यूस करती ये साडा जो इम्यून सिस्टम आ इम्यून सिस्टम की आ वह इंसुलिन एंटीबॉडी समझ के वह अटैक करता रहा सो अटैक करने के होंगे साडा नॉर्मल प्रोडक्शन जी इंसुलिन की वह घट जाती है सो इम्यून सिस्टम का अटैक करके भी जड़ा सानू इंसुलिन लैवल घट जाता है। सो आप टाइप वन और टू पढ़ी जी टाइप वन सिर्फ 5% लोगों होंगी आ सो टाइप टू जी आ 95% लोगों पाई जाती है टाइप टू ठीक है टाइप टू दे हुंदा आ साडी बॉडी जी इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और साडा जिहड़े बॉडी सैल्स आनू रिस्पोंस करना फिर बंद कर देंगे जो नॉर्मल लैवल तो ज़्यादा साडी बॉडी दे ब्लड शूगर लैवल हो जाता है। तो थर्ड टाइप की आ गैसटेशनल डायबिटीज। गैसटेशनल डायबिटीज की हुंदी आ ये उदों हुंदी आ जदों ड्यूरिंग प्रैगनेंसी ठीक है ड्यूरिंग प्रैगनेंसी लेडीज़ दे विच ये प्रॉब्लम हो जाती है सो आफ्टर प्रैगनेंसी तो बाद मे बी ये ठीक भी हो जाती है कई बार ये फरदर लीड भी करती है और टाइप टू अगे बेबी नूं जिहड़ी टाइप टू प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है फरदर जाके फ्यूचर दे विच। सो ये सीगियां टाइप्स टाइप्स क्लीयर हो गई ना ये सी इंसुलिन डिपेंडेंट सो टाइप टू नू आपां नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहने हैं। सो फर्दर आपां इहदे सिमटम्स देखांगे सिमटम्स इहदे की हुंदे आ पेशेंट नू नॉर्मल नालों भुख ज़्यादा लगन लग जाती है ठीक है भुख पेशेंट ही जिहड़ी आ वो बढ़ जाती है प्यास भी ज़्यादा लगती है ठीक है तो अगे वह हों ब्लर्ड विजन हो जाता है ब्लर्ड विजन की हों मतलब कि जिदा धुंधला दिखन लग जाता सानू धुंधला दिखन लग जाता है और अनकलीयर जिन्हों आप अनकलीयर विजन भी कह दें सो अगे की आ टायर्डनैस हो जाती है ठीक है सानू थकिया थकिया महसूस हों और वेट लॉस होने लग जाता साडे पेशेंट दे विच विदाउट एनी रीज़न जिहड़ा वेट लॉस होने लग जाता कंटीन्यूअसली। सो ये सीगे सिमटम्स जिहड़े पेशेंट दे विच मेनली पाए जाते हैं शूगर पेशेंट दे विच। सो फर्दर आपां इहदियां कॉम्प्लीकेशनस बारे पढ़ांगे कि फर्दर आन जिहड़ियां मेजर कॉम्प्लीकेशनस की आनियां पेशेंट दे विच ठीक है फर्स्ट हैगी आ डायबिटिक रिटिनोपैथी
ठीक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की होंगी है, जो साड़ी बॉडी दे विच शुगर लैवल इनक्रीज़ हो जाता है, शुगर लैवल बढ़ जाता है, तो की करता है ग्लूकोज लैवल जो साड़ी बॉडी दे विच बढ़ जाता तो वह साढ़े रेटिना रटीना रटीना की आ, एक साड़ी आई का पार्ट आ, साड़ी ह्यूमन आई साड़ी अख का एक पार्ट आ, जिहड़ा की करता डिटेक्ट करता आ लाइट एंड कलर, ठीक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी बारे पढ़ रहे हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी की आ कॉम्प्लीकेशन आ शूगर पेशेंट की, ठीक है। तो यह की करती है, जो साडे ब्लड दे विच शूगर लैवल ज़्यादा हो जाता तो साडे जिहड़ा रटीना अख का जिहड़ा मेन पार्ट हुंदा है, जिहड़ा सानू कलरफुल दिखा देखण विच मदद करता आ, उहदे ते की हुंदा आ बहुत असर पैंदा आ, ठीक है। ब्लड जिहड़ा ब्लड वैसल्स बिहाइंड आई जिहड़ियां हुंदियां उह रपचर होण लग जांदियां, ठीक है। रटीना दीआं जिहड़ियां अख दे विच ब्लड वैसल्स हुंदियां साडे उह की होण लग जांदियां, टुटण लग जांदियां आ। टुटण दे नाल की हुंदी आ सानू विजन प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पूरे दुनिया के विच जिहड़ा, ठीक है, आपां ब्लाइंडनेस जिहड़ी आ वो मोस्टली जिहड़ी किद्दां हुंदी आ, लोक जिहड़े आपां अन्या हो जांदे आ जिद्दां आपां मानदे आ लोकां नूं, है ना, वो जिहड़ी मोस्टली मन्नी गई आ भी वो डायबिटिक पेशेंट नूं ही मेन प्रॉब्लम आती आ, शूगर करके आती आ, ब्लड ग्लूकोज लैवल करके आती आ। फरदर नैक्सट कॉम्प्लीकेशन हैगी आ डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, ठीक है। जिहड़ी ब्लड शूगर लैवल जो साड़ी बॉडी दे विच इनक्रीज़ हो जाता तो सारे साढ़े सारे सिस्टम्स नूं जिहड़ा आ ये अफेक्ट करता है। साडा ब्लड शूगर लैवल जो बढ़ जाता तो साडा पूरा सर्कूलेशन ब्लड सर्कूलेशन जिहड़ा आ वो डिस्टर्ब हुंदा आ, क्योंकि ब्लड उहदे नाल की हुंदी आ नर्व्स डैमेज होण लग जांदियां आ, साडे हत्थां पैरां दे विच सेंसेशनस ही बंद हो जांदियां आ, जिद्दां आपां कह लैंदे साडे हत्थ सौण लग गए साडे पैर सौंदे आ, ठीक आ, इह प्रॉब्लम फरदर आउण लग जांदी आ। सो हथ पैर सौण दे नाल जिहड़ा की हुंदा जदों सर्कूलेशन घट जांदा आ हत्थां 'च ते पैरां 'च जां पूरी बॉडी दे विच वैसे घट जांदा आ, पर जिहड़ियां साडियां लिम्स आ उहनां ते ज़्यादा इफेक्ट पैंदा आ। लिम्स जिद्दां साडियां अपर लिम्स हो गईआं बाहां साडियां ते लोअर लिम्स हो गईआं साडे जिहड़े पैर आ, सो ता ही जिहड़ा शूगर पेशेंट दे विच आपां देखदे आ कि पैरां दे विच उहदे छाले जरूर, ये एक आपां सिम्पटम मानदे आ कि उहदे पैरां दे विच छाले हुंदे आ। ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਪੂਟੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਵੱਢਣਾ ਜਾਂ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਆਉਣ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ। ਨੈਫਰੋਨਸ ਨੈਫਰੋਸ ਨੈਫਰੋਨਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਜ਼। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸਾਡਾ। ਫਰਦਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਡੀਓ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਸੀਜ਼। ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਫਰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ ਔਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਔਨ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਗਮ ਡਿਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗਮਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਟਾਈਪ 1 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ।
टाइप वन वाले पेशेंट नूं गम डिसीज़ की बहुत प्रॉब्लम आती है। टाइप वन आप पढ़ी सी ना इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है, जिद पेशेंट जो आर्टिफिशियल इंसुलिन लैंदा उन्होंने पेशेंटा के आप की करते हैं देखते हैं, आप उन्होंने देखते हैं कि उन्होंने गम डिसीज़ भी जोड़े कि उन्होंने दंद जोड़े आ निकलने शुरू हो जाते हैं। सो यह सीगा कॉम्प्लीकेशन पेशेंट नूं जिहड़ियां मेजर प्रॉब्लम्स आउंदियां आ ब्लड शुगर वाले पेशेंट नूं, रिटिनोपैथी साडियां अखां ते इफेक्ट पैंदा, साडे नर्वस सिस्टम ते इफेक्ट पैंदा, साडे किडनी ते इफेक्ट पैंदा, हार्ट ते इफेक्ट पैंदा, ते सो सीगा साडे सारे फंक्शन बॉडी जिहड़े ऑर्गनज आ उह इफेक्ट हुंदे आ ब्लड शुगर लैवल इनक्रीज़ और डिक्रीज़ होए ते। सो फर्दर ठीक है, आपां इहदा ट्रीटमेंट की आ टाइप वन दे विच की हुंदा आ, टाइप वन का ट्रीटमेंट की होया, आपां इंसुलिन डिपेंडेंट पढ़िया पेशेंट नूं की पैने पैंदे आ, आर्टिफिशियल शॉट्स ऑफ इंसुलिन लैने पैंदे आ, ठीक है। ये सारा कुछ जिहड़ा आ अंडर डॉक्टर प्रसक्रिप्शन होना आ, ठीक है, जो असी ये सारा कुछ किदां चैक करते हैं थ्रू डायग्नोस्टिक टैसट करते हैं। सो आर्टिफिशियल इंसुलिन जिहड़ी आ पेशेंट नूं टाइप वन विच लैनी पैंदी आ जदों उहदी बॉडी जिहड़ी आ इंसुलिन जिहड़ा उह घट प्रोड्यूस करती है। सो इंसुलिन ठीक है, ये की है, एक तो आर्टिफिशियल इंसुलिन थ्रू इंजैक्शन पेशेंट लै सकता है, तो आर्टिफिशियल इंसुलिन जिहड़ी आ पेशेंट इंजैक्शन थ्रू, तो हुण इनहेलर भी आ गए आ, इनहेलर भी आ सकते, असी इनहेल करके भी इंसुलिन लै सकते हैं। सो ये सीगी ते टाइप टू की ट्रीटमेंट किदां करते आ, टाइप टू दे विच की करदे आ, टाइप टू दे विच सानू जिहड़ी आ सानू अपनी मेडिसिनस भी लैनिया पैंदियां आ, और फर्दर ऑन जिहड़े जो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होवे जिद्दां दी अंडर सुपरविजन सानू रहना पैंदा आ। सो नैक्सट टाइप टू दे विच की आ, पेशेंट नूं विटामिन डी जिहड़ा आ बहुत इसेंशियल आ सानू लैणा, ठीक है, विटामिन डी और ओमेगा थ्री ये जिहड़ियां ये सानू जरूर लैने चाहिए आ, ये तो एक हैल्दी बंदे नू भी अपने विटामिन मिनरल्स सारे जिहड़े कैल्शियम वगैरह लैना ही चाहिए, पर टाइप टू वाले पेशेंट नू विटामिन डी की बहुत ज़्यादा लोड हुंदी आ, ठीक है। फस्ट सोर्स इहदा की है, सनशाइन, ठीक है, धुप्प दे विच सवेरे शाम जाओ, सवेर का टाइम 9 to 10 और रात शाम नू जिहड़ा आ 6 to 5 to 6 जिहड़ा आ ओह धुप्प दे विच जरूर जाओ तां कि सानू विटामिन D3 साडा पूरा हो सके। सो ये सीगा सारा टाइप टू का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आपां डायग्नोस्टिक टैसट आपां देखांगे, डायग्नोस्टिक टैसट, ठीक है, कि टैसटां दे नाल सानू जिहड़ा आ अपना ब्लड शुगर लैवल पता लगदा आ, ठीक है, आपां करा सकते हैं FPG, जिहनूं आपां की कहने आ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टैसट, ठीक है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टैसट OGTT, ठीक है, इनू आपां की कहने आ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। नेक्स्ट RPG रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, ठीक है, ये साढ़े जो डायग्नोस्टिक टैसट है जिन्हों थ्रू जो पेशेंट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नाल अपना डायग्नोस्टिक टैसट करा सकता।